नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल करपुट में। दोस्तों आज मैं आपको कोट कॉलर बनाना बताऊंगी, तो इसके लिए मैंने ये सूट की कटिंग कर रखी है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। इसका जो बैक पार्ट है वो मैंने आधा इंच ज़्यादा लिया है। अब मैं आपको इसका शोल्डर दिखाती हूँ। शोल्डर इसका 7 इंच है और इसका आर्म होल बैक 7 इंच है और फ्रंट 6.5 इंच। तो ये इसका आर्म होल है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको गले का निशान लगा के दिखाती हूँ। तो इसका हम बैक पार्ट निकाल देंगे, अब हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई ली है 3 इंच, तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। और इसकी मैंने लंबाई ली है 3.5 इंच की। तो देखिए यहाँ पे इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम एक बॉक्सा बना देंगे और फिर इसमें हम गोलाई दे देंगे। गोलाई ना ज़्यादा गहरी देनी है और ना ही कम देनी है, ठीक है। इस तरह से हमें ये गोलाई देनी है। अब हम गले की फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। तो देखिए गले की जो हमारी तैयार लेंथ है वो है 7.5 इंच। आपका जितना भी गला है उससे 1 इंच ज़्यादा लें, क्योंकि ये कॉलर नेक है तो इसे गले में डालने में परेशानी होगी। तो मैंने यहाँ 7.5 इंच पे निशान लगाया है। अब जो हमने गले की गोलाई का निशान लगाया था इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद अब हम बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट में भी हम पीछे की तरफ कटिंग करेंगे। तो इसकी भी चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे और इसकी जो लंबाई लेंगे हम 1.25 इंच। तो अब इसमें इस तरह से गोलाई दे देंगे, फिर इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से इसकी ये कटिंग कर देनी है। अब हम फिर से फ्रंट पार्ट लेंगे, इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे। तो देखिए इस तरह मिला के रखने के बाद इसके हम तीरे को डाउन करेंगे। तो देखिए शोल्डर में हम नीचे की तरफ 1.25 इंच हम डाउन करते हुए हमें इसकी ये कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो इसे निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये बैक और फ्रंट दोनों की मैंने ये कटिंग कर दी है। अब हम एक कपड़ा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें एक और कपड़ा लेना है, चाहे तो आप सूट की मैचिंग का ही ले लें या फिर आप कंट्रास्ट में भी ले सकते। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही मैंने ये 12-12 इंच की ली है। तो देखिए इसके पीछे मैंने ये फ्यूजी पेपर चिपका रखा है, जो पतला वाला बुकरम होता है, तो ये फ्यूजी पेपर इसमें चिपका रखा है। अब हम इसको डबल कर देंगे। तो देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको ऐसे डबल कर देंगे। तो इसमें भी हम इसी तरह से गले का निशान लगाएंगे जैसे हमने सूट में लगाया। तो ये देखिए इसकी जो कटिंग थी वो मैं इसी तरह से रख लूँगी। अब इसी तरह रखने के बाद बिल्कुल इसके बराबर में रखते हुए हमें ये पेंसिल से निशान लगा लेना है। अब ये निशान लगा दिया है। अब जैसे ये निशान लगाया है इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब देखिए अब हम गले के फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो फुल लेंथ हमने 7.5 लगाई थी, तो देखिए 7.5 इंच पे ही हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद अब हम बीच में इसी तरह से देखिए इसी तरह से हमें ये निशान लगा लेना है। ये हमारा बिल्कुल ऐसे बीच का निशान होएगा। तो ये निशान लगा लिया है, अब हम इसे खोल देंगे। तो देखिए हमारे ये बिल्कुल बीच का निशान है। अब हम स्केल से इसके दोनों साइडों पे निशान लगाएंगे। तो देखिए बिल्कुल ऐसे इस तरह से रखते हुए हमें ये निशान लगा लेना है। तो ये मैंने पेंसिल से ऊपर की तरफ बिल्कुल 1-1 क्वार्टर पे निशान लगाया है और फिर स्केल से लाइन बना दी है। तो देखिए इस तरह से हमें ये लाइन बनानी है, फिर नीचे की तरफ से वी शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसकी ये शेप देनी है। अब ये लगाने के बाद इसको हम फिर से फोल्ड करेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से इसको फिर से फोल्ड कर दूंगी। अब फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे ये 1.25 इंच पे निशान लगाना है। अब इस निशान को हमें ये 1/2 इंच आगे बढ़ा लेना है। तो 1/2 इंच ये निशान लगाने के बाद इसकी हम इतनी कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये पूरे 1/2 इंच की हमारी ये कटिंग होनी चाहिए। देखिए इस तरह से हमें ये कटिंग कर लेनी है। अब इसे खोल लेंगे और खोलने के बाद इसे हम सूट पे रखेंगे। तो देखिए ये मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है। अब इसके ऊपर हमें इस तरह से मिलाते हुए रख लेना है और मिलाने के बाद आप इसे पिन से अटैच कर दें। तो देखिए ये मैंने पिन से अटैच कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ इसमें सिलाई कैसे लगानी है। तो यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच की कटिंग की थी, तो देखिए इसको इसी तरह से मिलाते हुए ले जाना है। इसी तरह हम ये दूसरी साइड भी 1/2 इंच पर ही ऐसे निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब जब हम सिलाई लगाएंगे तो हम इस तरह से लगानी है। अब हम इसको सिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे रखते हुए पहले हम इसे पक्का कर लेंगे।
यहाँ से, तो यहाँ पे पक्की सिलाई कर ली है। अब जिस तरह से निशान लगाया है इसी तरह से हमें ये सिलाई लगानी है। अब ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब देखिए यहाँ से भी हम फिर से कटिंग इस तरह से कर देंगे और फिर छोटे छोटे कट हमें ये बीच में लगा लेना है। बीच में हमें ध्यान से कटिंग करनी है, तो देखिए बिल्कुल एंड तक ले जाएंगे बिल्कुल सिलाई को बचाते हुए। तो हमें ये कटिंग करने के बाद अब हमने ये पिन निकाल दी है। अब इसकी हम कोने की भी इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब इसे पलट देंगे, तो देखिए हमें इसे अच्छे से पलटना है बिल्कुल हमें इसके ये कोने निकालते हुए। तो देखिए हमने ये पलट दिया है। तो पलटने के बाद अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। तो सिलाई हम ऊपर से ही लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम सिलाई शुरू करते हुए लगाएंगे ताकि जो हमने पीछे की तरफ जो कपड़ा पलटा है वो भी हमारा ये सिलाई में अच्छे से स्टिच हो जाए। तो देखिए हमने जो नीचे की तरफ सिलाई लगाई थी, तो देखिए इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे जिससे कि हमारा ये कोट कॉलर का डिज़ाइन आएगा। अब हम इसे उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद हमें ये पूरे में ढाई ढाई इंच पे निशान लगा लेना है। तो देखिए जितना भी हमारा ये गला बना हुआ है इसको पूरे में हम यहाँ पर ढाई ढाई इंच पर निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद हमें ये एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है। तो देखिए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब ये कटिंग करने के बाद अब देखिए इसके किनारे को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो पूरी की पूरी किनारे को हमें इसी तरह फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों मैंने ये पूरी किनारे में सिलाई लगा ली है। अब हम बैक पार्ट लेंगे। तो देखिए मैंने ये बैक पार्ट ले लिया है। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट को हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे और इसके शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। तो आधे इंच के मार्जिन से हमें ये शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद बीच में से हमें इस तरह से पकड़ना है। तो देखिए इस तरह से हम ये पकड़ेंगे और देखिए इस तरह से हमें ऐसे मोड़ लेना है। मोड़ के अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर के लिए नाप लेंगे। पहले हमारा देखिए ये जो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है, देखिए इधर से ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हम एक साथ कर लेंगे। अब ये करने के बाद हम इंची टेप से नापेंगे क्योंकि ऊपर हम कॉलर लगाएंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ से ये इस तरह से नापना होगा। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से रखते हुए हमें ये नापना है। तो ये हमारा पूरा 7.25 इंच आ रहा है। 14.5 इंच की हमारी ये फुल कॉलर बनेगी। तो देखिए पूरा ये 7.25 इंच आ रहा है। अब हम बुकरम ले लेंगे। तो देखिए बुकरम को मैंने इस तरह से ये डबल में कर रखा है और डबल में करने के बाद मैं आपको इसकी लंबाई दिखाती हूँ। तो ये हमारे 7.5 है और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच की है। तो हम सबसे पहले हम यहाँ से ऊपर से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो देखिए 3.5 इंच पे भी हम यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे और फिर इसमें हम एक सीधी लाइन बना लेंगे। इसे लाइन बनाने के बाद अब नीचे की तरफ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये मैं बुकरम के फोल्ड साइज से 3 इंच के निशान लगा रही हूँ। अब ये निशान लगाने के बाद अब हमारा जितना कॉलर आया था हमें उसने पूरा निशान लगा लेना है। तो 7.25 इंच आया था तो यहाँ पर हम 7.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये निशान लगाने के बाद अब हम नीचे से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए 1.5 इंच पे इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। तो ये निशान भी हमारा ये पूरा 7.5 इंच का होना चाहिए। अब ये निशान लगाने के बाद बिल्कुल ऊपर तक हमें ये सीधी लाइन बना लेनी है। देखिए यहाँ से हम पूरे ऊपर तक सीधी लाइन बना लेंगे। अब ये लाइन बनाने के बाद अब नीचे से हम यहाँ से हल्का सी गोलाई देते हुए, देखिए गोलाई देते हुए हमें ऐसे मिला लेना है उस निशान तक। तो हमारे ये नीचे से इस तरह से निशान लगना चाहिए। अब यहाँ ऊपर की तरफ से यहाँ फोल्ड साइड से 0.5 इंच हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम ये पूरे वहाँ तक कोने तक ले जाना है। तो देखिए बिल्कुल हल्का सा हमें कर्व देते हुए निशान को लगाना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
ये कॉलर कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका था। तो देखिए अब मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ से तो हमारा ये फोल्ड साइज आएगा और जो हमारी नीचे गोलाई आ रही है यहाँ से हम ये कुर्ती में अटैच करेंगे। तो इसे हम कपड़े में रख लेंगे। तो देखिए मैंने ये कपड़े में रख लिया है। कपड़े में रखने के बाद अब हम इसके ऊपर चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने पिन से अटैच कर दिया है। अब हम इसमें पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये हम रफ सिलाई लगा रहे हैं, बाद में इसको हम उधेड़ देंगे। अगर आपकी बुकर्म चिपकाने वाली है तो आपको ये सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए इतना कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमें ये कटिंग कर लेनी है। अब ये कटिंग करने के बाद जहाँ ये गोलाई आ रही है यहाँ से हम कपड़े को बुकरम के ऊपर ऐसे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए जो भी हमारी ये गोलाई आ रही है यहीं पे हमें ये पूरे में फोल्ड करते हुए कपड़े में सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी ये सिलाई लग गई है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें एक और कपड़ा लेना है इसी तरह से। तो देखिए मैंने एक और कपड़ा ले लिया है। अब इसके ऊपर हम बुकरम को इस तरह से रख देंगे। अब हम इसके यहाँ दूसरी साइड पे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल हमें ये बुकरम के बराबर पे सिलाई लगानी है। तो देखिए गोलाई वाला हिस्सा छोड़ते हुए हमने ये ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद जो भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें ये कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब ये कट लगाने के बाद इसके कोने की भी कटिंग कर देंगे। अब हम इसको पलट देंगे। तो देखिए पूरे इसको इस तरह से पलट देना है। इसके कोने हमें अच्छे से निकाल देने हैं, कैंची से या किसी से भी इसके कोने अच्छे से निकाल दें। तो देखिए पूरी तरह से हमने इसको पलट दिया है। पलटने के बाद अब हम इसके किनारे पर, बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी ये कॉलर अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए इस तरह से हमें ये पूरे में सिलाई लगा लेनी है। अब ये सिलाई लगा दी है। तो अब जो ये फोल्ड हिस्सा है देखिए यहाँ पे हम चौक से निशान लगा लेंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो देखिए इससे निशान लगाने के बाद तो नीचे से हमें ये आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम निकाल देंगे। अब ये करने के बाद अब हम लेंगे कुर्ती। तो देखिए कुर्ती को हमें ये उल्टी साइड रखना है। तो देखिए उल्टी तरफ से हमें ये कॉलर को लगाना है। अब देखिए यहाँ पर हम कॉलर को रखेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें ये कॉलर लगाना शुरू करना है। तो जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था यहाँ से हम कॉलर लगाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से रखते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो देखिए जो हमने चौक से निशान लगाया था इसी पे ही हमें ये सिलाई को लगाते जाना है। तो इस तरह से हमें ये आराम आराम से ये पूरे कॉलर को लगा लेना है। हमें कॉलर का कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींचना। अब देखिए इस तरह से ये सिलाई लगा ली। अब जो भी ये मार्जिन है तो देखिए आधा इंच का जो भी मार्जिन है इसे हम अंदर कर लेंगे और फिर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह मार्जिन को हमें अंदर करते हुए हमें ये बिल्कुल किनारी पे है कॉलर पे सिलाई लगानी है। तो कॉलर पे हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारी पे। देखिए इसी तरह से हमें ये मार्जिन को अंदर करते जाना है और कॉलर पे सिलाई लगाते जाना है। तो ये हमारी ये पूरे में इस तरह से सिलाई लग गई है। तो अब ये कॉलर लग गया है। अब जो हमने इसमें रफ सिलाई लगाई थी तो देखिए जो रफ सिलाई लगाई थी इसे हम उधेड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा ये पूरा गला बन के तैयार हो गया है। तो नीचे की तरफ हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके प्रेस लगा दी थी। अब देखिए इस तरह डिजाइन करने से हमारा ये कोट कॉलर का डिज़ाइन बन गया है। अब हम नीचे की तरफ इस तरह से बटन लगा देंगे तो इसका लुक और भी सुंदर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा ये गला पूरा तैयार हो गया है। दोस्तों अगर आपको ये गला पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।